पाल शर्मा। माननीय सभापति महोदय, मैं पहली बार निर्वाचित होकर के आया हूं और किसी की भावना को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन इस हकीकत से मैं सबको वाकिफ करवाना चाहता हूं कि यह एक जमीन से जुड़ा विषय है। उस जमीन पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी आई थी, सोनिया जी भी आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, वहां से भैरव सिंह जी शेखावत ने भी टिकटें बांटी है और अशोक गहलोत जी ने भी टिकटें बांटी है। जब वे टिकटें बट रही थी तब से उस जगह के ऊपर एक निगाह थी और महात्मा गांधी जी का जब 150वां साल आया तो उस समय सरकार की स्थिति यह थी कि बिरला ऑडिटोरियम के अंदर राजस्थान के सभी स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए थे, जलियांवाला बाग के सभी स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार बैठे हुए थे, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी अध्यक्षता कर रहे थे, पद्मभूषण डीआर मेहता जी वहां मौजूद थे, लेकिन एक व्यक्ति समय देने के बाद नहीं आए। उनका नाम नहीं लेकर के मैं कहूंगा, वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जी थे। ये है गांधी जी से लगाव। मैंने इस बात का निवेदन किया माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों को। एक मिनट, क्या बीच में बोलते हैं, हमेशा आदत पड़ गई है क्या? आप बैठ जाइए। क्या आदत पड़ गई है हमेशा? मैं कह रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, नाम सुनिए। आप मेरा समय मत खराब करिए, इनके डाटा लगाइए, इनके डाटा लगाइए। क्या आप ऐसा खड़े हो जाते हैं? न कोई ज्ञान, न कोई पढ़ाई, न कोई बात, बोल रहा हूं उसी पर। जमीन का मामला है ये, जो बिल है जमीन का मामला था। आप मेरी बात सुनिए, पहले बैठिए। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बैठिए? बैठे बैठिए। पहले 100 करोड़ की योजना अशोक गहलोत जी चाहते थे कि महात्मा गांधी जी के विचारों के लिए लगाए जाएं, ये उनके दिल की भावना थी। अगर राजस्थान के अंदर पहले नंबर का कोई गांधीवादी है तो श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, इसको मैं जानता हूं 40 साल से, जब आपका परिचय नहीं रहा होगा। दूसरी बात, लेकिन कुछ लोगों की निगाहें थी कि जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन हुआ, इंदिरा गांधी मेमोरियल हुआ, उस तरह से इस ट्रस्ट का नाम लाभ कैसे लिया जाए। मैं जानना चाहता हूं सभापति महोदय कि 2019 में महात्मा गांधी जी के 150वीं जन्म जयंती आई, फिर 2023 तक इंतजार किस बात का था? क्यों बनाया गया वाटिका न्यास 2023 में? क्योंकि कुछ लोगों को भविष्य में पैसे की लालच के अंदर जीभ लपलपा रही थी। मैं कहना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया, कुमार प्रशांत को, उनके ऊपर FIR दर्ज है। मैं ट्रस्ट की बात कर रहा हूं। मोदी क्या मतलब जी, संरक्षण दीजिए। ए रफीक खान जी, संरक्षण दीजिए। नहीं, नहीं, जब ऐसा चल रहा हो तो नहीं आना चाहिए। नाम हटा दीजिए। प्रशांत किशोर जी, नाम हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए। प्रशांत किशोर जी इस हाउस के सदस्य, मैं कह रहा हूँ नाम हटा दीजिए। एक्सपेंस कराइए कुमार प्रशांत का, नाम हटा दीजिए, नाम एक्सपेंस कराइए। राजीव फाउंडेशन है, राजीव फाउंडेशन है, क्या दर्ज है, रिकॉर्ड पर है, इंदिरा गांधी मेमोरियल रिकॉर्ड पर है, आप कहां से बिठा देंगे? जब हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान लड़कर के जीते, राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी भर के नोट है, तब आपत्ति है। और दूसरा, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न भी है, ये पारण की स्टेज है, अब वो बोलेंगे जो इसको पारित नहीं कराना चाहते, वो अगर ये पारित नहीं कराना चाहते हैं तो इनका अंकित हो, और ये इसको पारित यानी रोकना चाहते हैं इस बिल को, तो फिर इनका अंकित करवा लो। मैं 2 मिनट में बात, हमारे पक्ष में है,
तो ये बोला जाए ये विपक्ष में है तो इनका हटाया जाए, अंकित नहीं होना चाहिए। पारित की स्टेज पे ये नहीं बोल सकते। अगर आप रुकवाना चाहते हैं तो बोलिए, नो प्रॉब्लम। दो मिनट में शांतिपूर्वक बात खत्म कर दूंगा, कोई आपत्ति नहीं होगी। सिर्फ दो मिनट, सिर्फ दो मिनट, बस खत्म कर दूंगा। ये तो प्रतिपक्ष के माननीय विद्वान सदस्यों की, संसदीय कार्य मंत्री महोदय, भावना को ध्यान में रखते हुए मैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय बैठ जाऊं। क्यों क्यों इस विधानसभा की गरिमा को आप कहां पहुंचाना चाहते हो? श्री आपको भी नहीं बोलने देंगे। टीकाराम जूली,